अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जस्ट अभी मैं सोकर उठी हूँ और अभी मैं टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। रुको, कितना हुआ है? दिख रहा है आप लोगों को टाइम? शायद से आप लोगों को दिखा होगा टाइम। बराबर अभी ना 10 बजकर है ना 20 मिनट हो चुके हैं और जस्ट अभी मैं सोकर उठी हूँ। और इफ्तारी सॉरी सहरी करने के बाद मैं थोड़ा देर नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ थोड़ा देर पढ़ते रहती हूँ और उसके बाद फिर सो जाती हूँ। और फिर बाद में मैं दोपहर में नहीं सोती, अभी थोड़ा मैं लेट उठ जाती हूँ सुबह में, फिर उस दोपहर में नहीं सोए तो भी चलता है, इसलिए अभी लेट उठती हूँ। देखो रोज़दार घूम रहा है इधर उधर, कितना बोलो इसको, ज़रा एक जगह चुप बैठ, रोज़ा है, सुनती नहीं बिल्कुल। और अभी जस्ट उठी हूँ और अभी बाकी सब काम करना है और अभी झटपट सब घर में के पहले काम कर लूँगी। सीरत भी उठी है, सीरत को ब्रश कराऊँगी, उसको चाय दूँगी और सीरत को नहलाना है, मुझे खुद फ्रेश होना है, सब काम मतलब बाकी है सब करना है। अभी तो पहले बिस्तर उठाऊँगी और फिर आगे का सब करूँगी। और आप लोगों को आज का 15वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और आधा रमज़ान का महीना बीत गया, अल्लाह ताला ऐसे ही बरकतें सबके घरों में बनाए रखे, सबके घरों में बरकतों के दस्तरखान लगाए और सबके रोज़ी रोटी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और जितनी हो सके उतनी आप इबादतें करो, सदका दो, खैरात दो, मतलब जितना आपके हैसियत के हिसाब से आपको मुमकिन है उतना सब आप लोग करो, जितना करेंगे उतना ये रमज़ान के महीने में कम ही है। और आज देखते हैं क्या बनाएंगे इफ्तारी में, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, सोच के मैं आप लोगों को बाद में उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। और कल थोड़ा सा मैं मतलब गई थी बाहर, उसकी वजह से मेरा एक व्लॉग पेंडिंग है, तो आज इंशाल्लाह आप लोगों को 2 व्लॉग मिलेंगे या एक ही व्लॉग मिलेगा, देखती हूँ मैं कैसे। एक व्लॉग तो अभी मेरा एडिटिंग करके कंप्लीट है, उसको सिर्फ अपलोडिंग करना है और दूसरा व्लॉग अभी तक एडिटिंग करना है। रमज़ान का इतना मतलब बिजी शेड्यूल रहता है ना आप लोग, मतलब हम लोग बोलते हैं कि रमज़ान में मतलब काम वगैरह नहीं रहता, लेकिन रमज़ान में बहुत काम रहता है और एक्स्ट्रा काम रहता है रमज़ान में, बहुत यानी बहुत, मतलब एनी टाइम कैसा रहता है, अगर मतलब घर में 2 या 3 पर्सन हो तो हम लोग कैसा एक टाइम में ही खाना बनाकर मतलब फ्री हो जाते हैं। रमज़ान में कैसे अलग अलग डिशेज बनाने के रहते हैं, इफ्तारी के लिए अलग और कुछ मतलब खाने के लिए, सहरी के लिए मतलब ऐसा कुछ अलग, इसके लिए कैसा टाइम उसमें जाता है, इबादतों के लिए टाइम चाहिए, बहुत सारा मतलब टाइम इसमें चला जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा काम ही रहते हैं रमज़ान में ज़्यादातर। इसलिए जितनी हो सके उतना आप इबादतों में ही ध्यान दो और है ना धूप में जाना मतलब बाहर वगैरह, जो मतलब अगर काम हो तो ही घर में से बाहर निकलो। एनीवेज मतलब ज़्यादातर बाहर जाना आप लोग टाल दो, क्योंकि रोज़े में होते हो और बहुत धूप है बाहर और रोज़े में फिर तकलीफ़ होती है ना धूप में जाने से, इसलिए जितना हो सके उतना आप लोग धूप में जाने के लिए टाल दो। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से 15वां रोज़ा मुबारक हो। पहला आशरा तो निकल गया, अभी दूसरा आशरा भी आधा हो गया और अल्लाह ताला की हर आशरे में, पहले आशरे में दूसरे आशरे में अलग अलग है ना फजीलतें हैं अल्लाह ताला की, तो अभी हर फजीलत के अलग अलग मतलब है, मैं वो कभी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी चलो मैं काम करती हूँ, अभी बहुत मतलब सुस्त हूँ मैं, चेहरा वगैरह आप लोग देख सकते हैं बहुत सूजा है। और यहाँ पे ना कल मैंने प्याज और लहसुन ला के रखी थी, बाजू में ही फ्रेंड के इधर मेरे हैं और अभी अच्छी मतलब प्याज अभी थोड़ी सस्ती हो गई है, कल लेके आई थी मैं, अभी उसको है ना ऊपर ट्रांसफ़र करना है। देखो 100 में कुछ तो 6 किलो ऐसा कुछ तो मिला है, अभी इसको है ना ऊपर वहाँ ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि अंदर रखने के लिए जगह नहीं है, तो ऊपर मैं कैसे करती हूँ लेफ्ट है ना, जो लेफ्ट पर ऐसे पूरा पतला उसको है ना ऐसे स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर वैसे स्टोर करने से हवा अंदर बाहर खेलती रहती है ना, तो प्याज ख़राब नहीं होती।
ऐसे आप एक टोपली में वगैरह डालकर रख दोगे ना, तो फिर एक के ऊपर एक गिरने की वजह से ना प्याज जल्दी ख़राब होती है। तो अभी अभी वो देखेंगे, अभी वो तो मेरे को नहीं होगा, वो काम तो ये इनका ही काम है, वो यही करते हैं। ये तो चले गए हैं और वो आने के बाद रात में भी करेंगे वो सब। और आज अचानक क्या हुआ मालूम है, सहरी में ना पहले मेरा अलार्म बजा और मैं उठ गई। उठने के बाद अभी आज ज़्यादा रोटी वगैरह नहीं बनाने की थी, रात की रोटी थी, तो इन्होंने क्या बोले, मुझे भी इतना ये नहीं है भूख वगैरह नहीं, रोटी मत बना, वही रोटी हम लोग गर्म करके खा लेंगे। मैं बोली चलेगा, फिर मैं बोली अभी रोटी वगैरह नहीं बनाने का, तो फिर बोली जल्दी उठ कर क्या फ़ायदा है ना, रोटी वगैरह बनाने का रहता तो मैं 3:30 बजे तक उठ जाती हूँ। फिर मैं बोली रोटी वगैरह बनाने का नहीं, इसलिए नहीं उठेगा जल्दी, थोड़ा लेट उठूँगी, 4 बजे उठूँगी, 4 से 4:52 टाइमिंग है, तब तक आराम से हम लोग की सहरी हो जाएगी। और जो मेरी आँख लग गई तो मेरी बराबर है ना 4:40 को मेरी आँख खुल गई, और मैं अचानक मतलब खुलने के बाद आँख देखती हूँ तो 4:40 हो गई। फिर इनको हड़बड़ी में उठाई, मैं बोली उठो जल्दी, मैं बोली 10 से 12 मिनट ही रह गए, बोली वैसी ही रोटी गर्म की कैसी, तो आधी भी रोटी नहीं खाई मैंने, और चाय और एक टोस्ट खाए मतलब खा लिया उतने पे ही। शहर ने तो सिर्फ चाय और टोस्ट पे ही रोज़ा रखा है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, इंसान बहुत थक जाता है ना कामों से, तो फिर वो मतलब ऐसा लगता है सोने का ही सोने का ही। और अल्लाह ताला सबको टाइम से उठाए सहरी करने के लिए। और चलो अभी काम पूरा होने के बाद आप लोग उनसे मिलते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन और वेजिटेबल रोल, रोल मतलब फ्रेंकी। ये पत्ता गोभी है, ये प्याज कट करके लिए, और ये शिमला मिर्च है। ये अभी पहले एक इसमें हम लोग थोड़ा इसको है ना पका के देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हूँ, गैस को ऑन करती हूँ, इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, 1 चम्मच से भी कम ऑयल डालना। और ये सब्जियों को ज़्यादा ये नहीं करना है, गलाना नहीं है, पूरा क्रंची क्रंची रखना है। क्योंकि क्रंची क्रंची इसका है ना टेस्ट है ना अच्छा लगता है इसमें। मसाले पहले ऐड करूंगी, ये गरम मसाला और धना पाउडर ऐसे मिक्स था मेरे पास रखा हुआ थोड़ा सा, ये मैं 1/2 चम्मच ऐड करूंगी। और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये 1/2 चम्मच मैं ऐड करूंगी। और ये जीरा पाउडर है, ये भी 1/2 चम्मच ऐड करूंगी। डार्क सोया सॉस 1 चम्मच, और रेड चिली सॉस है ना ये 1 चम्मच भर के,
ग्रीन चिली सॉस एक चम्मच, और विनेगर है ना ये एक चम्मच के बराबर है। और इसको अच्छे से अदरक लहसुन की पेस्ट है ना ये एक चम्मच, ये मेरी होममेड अदरक लहसुन की पेस्ट है ये एक चम्मच में डालनी है। और इसको अच्छे से अभी मिक्स करके ले लेंगे। और भी इसमें डालना है मसाले, पहले इतना ये मिक्स करके ले लेंगे। शेजवान चटनी ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डालो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। ये मैं आधा ही चम्मच डालूंगी क्योंकि ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस में ना स्पाइसेस रहते ही है, इसलिए वो आधा ही चम्मच मैंने डाला है। और अभी इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक भी थोड़ा कम ही ऐड करना क्योंकि पूरे सॉसेस में है ना नमक रहता ही है, इसलिए थोड़ा सा कम ही ऐड करने का नमक। कलर के लिए मैं ऐड करूंगी आधा चम्मच, अभी मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदाजा है चम्मच का। और अब ये मेरा और ये हमारा हो चुका है, डन है। अभी मैं इसको है ना इधर ट्रांसफर कर दूंगी और यहाँ पर भी मैं बनाऊंगी चिकन, चिकन मतलब उसके ऊपर फिलिंग के लिए डालने के लिए। इसको भी थोड़ा सा ही ऑयल में बनाना है, ज़्यादा नहीं ऑयल यूज़ करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है। और ये मेरा चिकन है, मैंने इसको ऐसे ऐसे क्यूब में काट के ली हूँ। इसमें आधे से आधा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। और ये जो चिकन है ना ये पूरा इसमें ऐड करेंगे। और ये बोनलेस चिकन है, इसको कलर चेंज होने तक है ना भून के ले लेना। अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है। अभी जो उसमें ऐड किए थे ना सॉसेस वो सब इसमें भी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे, इसमें आधा आधा चम्मच ही ऐड करेंगे। उसने एक एक चम्मच ऐड किया था, इसमें आधा आधा चम्मच ऐड करेंगे। और ये ग्रीन चिली सॉस है ये एक चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और अभी शेजवान चटनी आधा चम्मच से भी कम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि वो वेजिटेबल्स में भी हम लोगों ने शेजवान चटनी ऐड की थी, इसलिए इसमें थोड़ी ही ऐड करेंगे। और ये जो गरम मसाला और धनिया पाउडर का मिक्स मसाला था ये एक आधा चम्मच हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और विनेगर आधा चम्मच से भी कम हम लोग इसमें ऐड करेंगे।
और मेरा चम्मच कौन सा है ना, ये आप लोग ध्यान रखो। इस चम्मच के हिसाब से मैंने सब कुछ ऐड किया था। ये ब्लैक पेपर पाउडर आधे चम्मच से भी कम, मतलब 1/4 चम्मच का हिस्सा जो रहता है ना वो ऐड करेंगे। और ये सब अच्छे से मसाला जो चम्मच को लगा है ये पोंछ कर अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे चिकन में। और इसको इसमें ही है ना पकाना है, इसका ही पानी इसका छूट जाएगा। और अगर लगा आप लोगों को कि पानी डालना है तो थोड़ा सा ही पानी ऐड करना, क्योंकि हम लोगों को इसको सूखा सूखा रखना है, ग्रेवी फॉर्म में नहीं पकाना है, ग्रेवी की जैसा नहीं बनाना है, सूखा सूखा ही इसको रखना है हम लोगों को। और थोड़ी सी मैं कलर के लिए सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, आधे चम्मच से भी कम ऐड करूँगी। इससे कैसे कलर सिर्फ अच्छा आता है, ये कुछ तीखी वगैरह नहीं रहती, सिर्फ ये कलर के लिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा आप लोगों के मसाले में। तो थोड़ा हिलाकर ले लेंगे। अभी तक थोड़ा सा गलना बाकी है, ये ऑफिस में ढककर रख दूंगी। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, अभी मुझे याद आया मैंने अचानक डाल दिया। ऐसे ना रोजे में ना गड़बड़ी में ऐसे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अभी मैं इसकी रोटियां बना के ले लूंगी तब तक। और यह रहा हमारा आटा। आटा देखो कितने अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखो। कितने अच्छे से सेट हो गया है, देखो आटा। थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी मैं आपको लगाने के लिए। ये कितना गोला लेंगे हम लोग, ये साइज का गोला ले लेंगे, इसको बेलेंगे अच्छे से। अच्छे से इसको थोड़ा सा ऑयल लगाने का और अच्छे से सेक के लेने का। आप चाहे तो इसको इसके ऊपर मतलब बटर भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑयल ही लगाने का। इसे दबा दबा के ना अच्छे से इसको सेक के लेने का, जितना मतलब दबा दबा के सेकेंगे उतनी वो क्रिस्पी बनती है ना, तो अच्छी लगती है खाने में।
थोड़ा सा रहने दो यहाँ पे उसको। ये देखो ये हमारा बनकर रेडी है। अभी मैं ये वाली बनाऊंगी और आपको वो वाली बताऊंगी कैसे मतलब वो इसके अंदर सब बनना है मसाला। डन हो गई हमारी। अभी इसको लेंगे यहाँ पे इसके ऊपर है ना थोड़ी मेयो ऐड करेंगे। ये वेज मेयो है, ये एक चम्मच में ऐड करूँगी। मेयो से ना इसका टेस्ट है ना बहुत बढ़ जाता है रोल का। और अभी ये मैंने निकाल निकाल के टोमेटो सॉस उसमें से ना पैकेट में से ये किया है। और ये एक थोड़ा सा आधे चम्मच से भी कम हम लोग ऐड करेंगे और इसको ऐसे मिक्स करेंगे दोनों को और ये सब जगह है ना लगा देंगे, ऐसे फैला देंगे। ऐसे सब जगह है ना अच्छे से ना फैला देंगे। तो थोड़ा जूम करके आप लोगों को बता दें। अच्छे से ये सब जगह लगा दे। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। आपको सिर्फ टोमेटो सॉस पसंद है तो सिर्फ टोमेटो सॉस लगाइए, या सिर्फ आपको ये पसंद है मेयो पसंद है तो सिर्फ मेयो लगाए, या आप लोग इसको सेजवान चटनी के साथ भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे वो हो रहा है उसको ऐसे करें। सीरा क्या मस्ती चालू है, गिरे तो तुम लोग हाँ। ऐसे दोनों तरफ हाथ है ना चलाना पड़ता है, हाथ रुका तो मतलब टाइम खत्म समझ जाने का। दोनों जगह हाथ एक जैसा चलाना ही पड़ता है वरना है ना टाइम निकल कर चला जाएगा आप लोगों का। ये जो सब्जी बनाई थी ना हम लोगों ने ये वाली, ये इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड करेंगे ऐसे बीचों बीच। थोड़ा मैं साइड में ही ऐड करूंगी मतलब वो फोल्डिंग के लिए अच्छा गिरता है। ये ऐड करेंगे। और जो हम लोगों ने अभी चिकन बनाया है ना वो चिकन भी ऐड करेंगे और वापिस आप लोगों को अगर चाहे ना तो ऊपर से आप लोग मेयो ऐड कर सकते हो। चम्मच भी हाथ में नहीं रह रहा है, चम्मच भी फिसल रहा है नीचे 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 ऐसे ना। मेरे पास उसका ये नहीं है तो आप लोग है ना इसे ऊपर से ऐड कर सकते हो मेयो, गिर भी नहीं रहा है देखो ये। ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप लोग ऐड कर सकते हो और इसको अच्छे से ना बेसर टाइट रोल बनाने का। ऐसे ही फोल्ड करने का देखो ये अच्छे से हमारा रोल बनकर रेडी है। दूसरा वाला आप लोगों को बता रही हूँ बना के। मैंने इसमें वन और थोड़ा सा मतलब एक डेढ़ टेबल स्पून है ना डाला है वो, ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ना सब जगह ना फैला देंगे। इसे सब जगह ना अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे तो सिर्फ वेजिटेबल्स का भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसमें चिकन ऐड ही करना है, सिर्फ वेजिटेबल्स का भी बहुत अच्छा लगता है।
ये हो गया। अब इसमें जो वेजिटेबल्स हम लोग ने वो ऐड करेंगे। अब ये चिकन ऐड करेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी मेयो ऐड करेंगे। ये गिरी नहीं रही मेरे पास, उसके लिए ना बॉटल नहीं है, बॉटल से ना अच्छे से वो गिरती है सब जगह। अभी हाथ के जरिए मुझे ऐसे ये करना पड़ रहा है। और इसको अभी अच्छे से ना टाइट है ना रोल करेंगे हम लोग। और इसको आप टिश्यू से भी कवर कर सकते हो, चाहे तो आप टूथपिक भी लगा सकते हो, लेकिन अभी मेयो लगाने की वजह से ना वो अच्छे से हो गया है टाइट। ये देखो ये हमारे रोल बनकर रेडी है। और अभी मैं बाकी के सब रोल बना देती हूँ और फिर आप लोग रहे हमारे रोल। ये है हमारी आज की इफ्तारी, आप लोग भी आओ इफ्तारी करने के लिए। अभी हमारी इफ्तारी हो चुकी है और अभी नमाज भी अदा कर चुके हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, रोल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखना। और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और आज का 15वां रोज़ा आप लोगों को मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और दुआ में मुझे हमेशा याद रखना, मैं भी अपनी दुआओं में आप लोगों को याद रखती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो बेटा, अल्लाह हाफिज़ करो।